Hello friends, today we are gonna show you the UKG syllabus for the students. So, बिना time waste किए शुरू करते हैं आज का video. So, यहाँ पे लिखा हुआ है complete this alphabet by drawing and writing. मतलब यहाँ alphabets दिए हैं और आपको draw करके और लिख के उन alphabets को complete करना है. यहाँ आप लोग देख सकते हो A is for लिखा हुआ है, ant यहाँ drawing है. तो ये क्या है, ये एक ant है. तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे ant, A-N-T, ant. यहाँ आप लोग देख सकते हो B is for ball लिखा है. तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ हम लोग बनाएंगे एक बॉल. चलिए एक बॉल बना लेते हैं. ये बना ली हमने एक बॉल, बास्केटबॉल. तो ये हमारी बॉल तैयार है. डैश इज फॉर कप, ये कप का ड्राइंग है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कप का पहला लेटर होता है सी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सी. ये है एक डोर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डोर, डी ओ ओ आर, डोर. डैश इज फॉर एग, अब यहाँ पे हम लोग एग का पहला लेटर होता है ई, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ई, और यहाँ हम लोग बनाएंगे एक एग. तो ये है एक एग. तो चलते हैं दूसरे पेज की तरफ. यहाँ आप लोग वैसे यहाँ पे आए, देखा आप लोगों ने यहाँ पर एक फिश बाकी है. तो यहाँ आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे एक फिश है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फिश. तो अब चलते हैं अगले पेज की तरफ. ये है जी, जी से होता है ये ग्रेप्स, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ग्रेप्स. ये है एक हैट, यहाँ हैट लिखा है, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे एक हैट. एक हैट बना देते हैं. ये है एक हैट, एच फॉर हैट, एच इज फॉर हैट. आई इज फॉर आइसक्रीम, यहां पर हम लोग लिखेंगे आइसक्रीम, आइस क्रीम. यहां पर जग का फोटो बनाना है हमें, यहां जग लिखा है, जल्दी से एक जग का फोटो बना लेते हैं. तो यहाँ पर जग का फोटो हमारा तैयार है. ये है डैश इज फॉर काइट, तो यहाँ हम लिखेंगे के, के इज फॉर काइट. यहाँ जल्दी से एक लैंप का फोटो बना लेते हैं. तो ये हो गया एक लैंप, यह है एक लैंप, L is for lamp. यहां आप लोग देख सकते हैं पहले से ही लिखा हुआ है M is for mat. ये क्या है, ये है आपकी शाइनी नोज, तो यहां हम लोग लिखेंगे N is for nose. Dash is for orange, ये क्या है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज का पहला लेटर होता है हो, तो यहां हम लोग लिखेंगे O. अब आप लोग देखिए यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग, पेंसिल या फिर पेन, तो मैं यहाँ पे पेंसिल बना देता हूं. ये बना दी मैंने एक पेंसिल, एक लाइन भी दे देते हैं. तो ये बन गई एक पेंसिल. यहां पर आप देखिए क्यू इज फॉर क्विल, क्विल याद रखिएगा स्पेलिंग क्विल, क्यू यू आई एल एल. इसको हम लोग एफ से फेदर भी बोल सकते हैं. यह है एक रैबिट, तो यहां हम लोग लिखेंगे आर इज फॉर रैबिट. चलते हैं अगले पेज की तरफ. यह है सन, सन का पहला लेटर होता है एस, तो यहां हम लिखेंगे एस. टी इज फॉर टैप, चलिए यहां पर टैप बना देते हैं, टैप बना देते हैं जल्दी से. टैप का कनेक्शन भी दे देते हैं पीछे की तरफ. यह है एक टैप, टी इज फॉर टैप, इसमें से पानी गिर रहा है. यहां यह है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला लेटर होता है यू, तो यहां हम लोग लिखेंगे यू. वी इज फॉर वैन, यहां हम लोग बना लेते हैं एक वैन.
जल्दी से एक वैन बना लेते हैं। व्हील्स, वैन में होते हैं चार व्हील्स। यह है वैन के विंडोज और वैन के लाइट्स। ये है पानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। वाटर का पहला लेटर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज फॉर वाटर। चलते हैं अगले पेज की तरफ। एक्स इज फॉर ज़ाइलोफोन। ज़ाइलोफोन से आपने कभी ना कभी खेला ही होगा। ये है यॉर्न, वाई इज फॉर यॉर्न। तो यहां हम लोग लिख देते हैं वाई। ये है जीरो, तो यहां हम लोग लिख देते हैं जीरो। जेड इज फॉर जीरो, यहां बना देते हैं एक जेड। ये है एक जीरो। जीरो पहला लेटर होता है नंबर लाइन का। तो अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।